हाय गाइस, वेलकम बैक टू द हार्ट तनवर। और आज मैं आपके शेयर करने वाला हूँ व्हाइट होल के बारे में कुछ जानकारी। तो भाई, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ब्लैक होल के बारे में, तो वैसे ही आज मैं आपके साथ व्हाइट होल के बारे में कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। गाइस, अनेक रहस्यों से भरपूर हमारे ब्रह्मांड की सीमा क्या है, यह तो आज तक इंसान जान नहीं पाए हैं। मगर साइंस की मदद से जितना जान पाए हैं, उनकी अनगिनत सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में कितनी सारी एनर्जी और मटेरियल समाये हुए हैं, जिनकी कल्पना करना भी हमारे बस में नहीं है। उनमें से एक है व्हाइट होल, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। व्हाइट होल क्या होता है और कैसे बनता है? और गाइस, व्हाइट होल क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। व्हाइट होल को समझने से पहले हमें ब्रह्मांड की बेसिक बातों को जानना होगा। तो इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग विस्फोट से हुई, जिससे क्षण भर ही ब्रह्मांड को सभी चीजों का निर्माण हुआ। और हम साइंस की मदद से इस बात को जान चुके हैं कि इस विस्फोट के बाद सारा ब्रह्मांड फैलता है। मगर ऐसा क्यों हुआ और अचानक ब्रह्मांड में इतनी सारी एनर्जी और इतने सारे पदार्थ कहाँ से आ गए, और क्षण भर में ही कैसे इतने लंबे अरबों तारों और गैलेक्सी का निर्माण हो गया? और गाइस, एक थ्योरी के अनुसार हर ब्लैक होल का भी अंत होता है, और जब किसी ब्लैक होल का अंत होता है तो वह एक निकले हुए सारे मटेरियल को उबलना शुरू कर देता है, और इसी को कहते हैं व्हाइट होल। और गाइस, व्हाइट होल के बारे में दूसरी थ्योरी यह है, जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। साइंटिस्ट का यह मानना है कि ऐसी भी हो सकता है कि एक थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल या व्हाइट होल आपस में जुड़े हुए हैं, और ब्लैक होल जो भी मटेरियल तारे, ग्रह, पिंड आदि निकलता है, वह एक व्हाइट होल से बाहर निकल जाता है। ब्लैक होल और व्हाइट होल को जोड़ने वाली बीच की कड़ी को वॉर्म होल नाम दिया गया है। और गाइस, जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो जाता है, जिससे वह ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाता और उसका सारा प्रकाश खत्म हो जाता है और यह कोल्पेस होने लगता है। तो गाइस, ये थी कुछ जानकारी व्हाइट होल से जुड़ी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अगली यूजफुल वीडियो के साथ। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। बाय।